आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ। नहसुत अपडेट की बात करें, राजगढ़ में खेलते खेलते दो मासूम भाई बहनों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बच्चे शाम को शिवधाम कॉलोनी में निर्माणधीन प्लाट के पास खेल रहे थे, जहां प्लाट में खुले पड़े गड्ढे के पास उनका पैर फिसला और वे दोनों गड्ढे में गिर गए। बच्चे के पिता जम्बू आर्मी में पदस्थ थे, दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे। जम्बू आर्मी पदस्थ मुंडला गांव के निवासी मुकेश राज वर्मा के 7 साल के मासूम बेटे और 4 साल की नन्ही परी जैसी बेटी को खेलते खेलते राजगढ़ की शिवधाम कॉलोनी में निर्माणधीन प्लांट में खोदे गए गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। आर्मी में पदस्थ मुकेश का परिवार साल भर पहले ही बच्चे की पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर राजगढ़ की शिवधाम कॉलोनी में रहने आया था। दो दिन पहले छुट्टी पर आए पिता के साथ मस्ती करते हुए बच्चे बाहर खेलने चले गए, ज्यादा देर तक वापस नहीं आए। खोजबीन की तो पास के प्लांट में मकान बनाने के लिए 5 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में तैरती चप्पल से पता चला कि दोनों बच्चे गड्ढे में डूब गए हैं। मुकेश राज वर्मा ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़े सपने देखे थे, अच्छी पढ़ाई हो इसलिए पत्नी के साथ 7 साल का विराज और 4 साल की आयुषी को राजगढ़ की शिवधाम कॉलोनी में किराए का मकान लेकर छोड़ा था। पहली कक्षा में पढ़ने वाले अभिराज के पिता मुकेश 2 दिन पहले ही ड्यूटी से छुट्टी लेकर राजगढ़ आए थे। आज शाम को ट्यूशन से पढ़ाई कर अभिराम जब घर आया और अपनी छोटी बहन के साथ हर रोज की तरह दोनों मासूम गार्डन में खेलने गए। इस दौरान जब बच्चों को बाहर ज्यादा देर होने पाए, माँ और उसके पिता ने आवाज दी। बच्चों के वापस नहीं आने पर खोजबीन शुरू की गई। पड़ोस में खोजबीन के बाद वापस लौटते परिजनों को पड़ोस में निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में तैरती हुई चप्पल दिखाई देने पर शंका हुई। गड्ढे में खोजबीन शुरू की तो दोनों बच्चों के शव गड्ढे में डूब मिले। जिस घर में 1 घंटे पहले खुशियां मनाई जा रही थी, बच्चों की पढ़ाई के सपने संजोए जा रहे थे, उस घर में अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो एक हफ्ते का अपडेट लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।